वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप विकास इकोटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो विकास इकोटेक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 5.20 पे क्लोजिंग डे तकरीबन 1.89% की गिरावट हो चुकी है, 10 पैसे की गिरावट देखने को मिले। तो विकास इकोटेक स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे बेच दे, सुबह में ओपन हुआ था अच्छी लेवल पे, गैप अप से ओपन हुआ था 540 पे, तकरीबन प्रीवियस क्लोजिंग थी 530 की। गैप अप से ओपन होने के बाद यहाँ पे बेच दे, गिरावट देखने को मिली तुरंत, और तकरीबन यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी दोपहर तक, पर दोपहर के बाद जैसे उसको ब्रेकआउट दिया तो और गिरावट देखने को मिली और लो भी बना चुका था 510 का। ओपनिंग प्राइस देख सकते हो 540 थी और हाई बनाया था 545 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 590.58 करोड़ का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है विकास इकोटेक लिमिटेड स्टॉक का। तो विकास इकोटेक के पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में 8% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और लास्ट 1 में यहाँ पे करीब देख सकते हो तकरीबन 4% ऑफ है। तो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छी उछल के बाद 6 लेवल पे रिजिस्टेंस लगने के बाद गिरावट देखने को मिली है। तो विकास इकोटेक की चार्ट एनालिसिस भी देखे जाए, जैसे कि विकास इकोटेक यहाँ पे अपडेट से दे कि ऊपर मंथली प्यूट का रजिस्ट्रेशन लेता हुआ नजर आ रहा है पिछले 3 दिनों से, जैसे मंथली प्यूट जो है 5.45 पे, जहाँ पे आज भी यहाँ पे अपडेट से दे कि रजिस्ट्रेशन ले चुका है विकास इकोटेक स्टेक, हाई बनाया था 5.45 का और वैसे गिरावट देखने को मिली है। तकरीबन नीचे भी आता है तो भी यहाँ पे 4.65 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग सकता है, जो कि मंथली सपोर्ट 1 है विकास इकोटेक स्टॉक के लिए, जबकि नीचे आता है तो ये थे लेटेस्ट अपडेट विकास इकोटेक स्टॉक के लिए।